श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, जन्माष्टमी कब है? इस बार जन्माष्टमी भी दो दिन है, इसलिए जानिए आप इसका सही डेट एवं शुभ मुहूर्त कब है। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। हर साल भाद्रपद यानी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। जन्माष्टमी का पर्व, कुछ ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि जन्माष्टमी का पर्व 18 अगस्त को मनाया जाएगा, जबकि कुछ का कहना है कि जन्माष्टमी का पर्व अष्टमी तिथि के 8वें मुहूर्त में मनाया जाता है, जो कि 19 अगस्त को रहेगा। तो इस बार दो दिन मनाई जाएगी जन्माष्टमी। आपके लिए किस दिन व्रत रखना उत्तम रहेगा? अष्टमी तिथि 18 अगस्त को, सप्तमी तिथि रात 9:20 तक 18 अगस्त को सप्तमी तिथि रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी, जो कि 19 अगस्त को रात 10:59 तक रहेगी। जन्माष्टमी का त्यौहार अष्टमी तिथि के दिन रात 12 मनाया जाता है। ऐसे में 18 अगस्त की रात जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाना चाहिए। कई लोगों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि के 8वें मुहूर्त में हुआ था, जो कि 19 अगस्त को पड़ेगा। तो शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में कोई भी त्यौहार उदया तिथि में मनाने की भी परंपरा है। ऐसे में कुछ लोग जन्माष्टमी 18 अगस्त को और कुछ लोग 19 अगस्त को मनाएंगे। जन्माष्टमी व्रत का पारण 19 अगस्त की रात 10:59 के बाद ही होगा। जन्माष्टमी शुभ मुहूर्त अष्टमी तिथि शुरू है 18 अगस्त को 9:20 से, और अष्टमी तिथि समाप्त है 19 तारीख को 10:59। रोहिणी नक्षत्र शुरू है 20 अगस्त को 1:53 से, और रोहिणी नक्षत्र समाप्त है 21 अगस्त को 4:40 सुबह तक। कृष्ण जन्माष्टमी बृहस्पतिवार अगस्त 18 को, निशिता पूजा का समय 12:03 से 12:47 पर, 19 इसकी अवधि 44 की होगी। और कृष्ण जन्माष्टमी शुक्रवार अगस्त 19, निशिता पूजा का समय 12:03 सुबह से 12:47 सुबह तक, अवधि इसका भी 44 का है।